उज्जैन जिले के नागदा की सब्जी मंडी का इन दिनों बड़ा बुरा हाल है। बारिश का पानी व कचरा इकट्ठा होने से पूरी मंडी में बदबू फैल रही है, जिससे कई तरह की बीमारियां फैलने का खतरा बना हुआ है। और बड़ी बात तो यह है कि नागदा नगर पालिका की आंखें बंद पड़ी है। वहाँ आसपास सब्जी की दुकान लगाने वाले आम जन को खासी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ रहा है, जिसकी शिकायत कई बार नगर पालिका को की जा चुकी है, लेकिन नगर पालिका अधिकारियों के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। हमने सब्जी मंडी में सब्जी लेने आए लोगों से भी बात की, उन्होंने भी यही बताया कि मंडी से जो बदबू फैली है, जिसमें लोगों को सांस लेने में भी तकलीफ होती है, और आवारा जानवर भी मार्केट में इतने हैं कि निकलना दुश्वार हो रहा है। नागदा से संजय शर्मा की रिपोर्ट। क्या नाम है तुम्हारा? असलम। असलम, ये जो तुम्हारे पीछे कूड़े का ढेर लगा है, इससे यहाँ बैठने में परेशानी नहीं होती? बदबू नहीं मारता है? मारता है। तो इसके लिए आपने ऊपर नगर पालिका वगैरह वाले बताया किसी को? मतलब सर रोज नहीं ले जाते? जैसे मक्खियाँ बिन बिना रही है इसके अंदर। जो मार्केट में इतनी गंदगी हो रही है, इतनी मतलब सब्जियां जो लोग बाग मतलब सड़ रही है, पानी ज़्यादा हो रहा है, तो इससे आपको आपके भी धंधे में कोई फर्क नहीं पड़ रहा? इसमें बदबू नहीं आती? अभी मार्केट के अंदर इतनी बदबू आती है, बाकी नगर वाले कुछ नहीं करती है। उज्जैन